फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैनासोनिक टीवी रिमोट एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ पे आप अपने टेलीविज़न को जो है अपने स्मार्ट टेलीविज़न को अपने मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। पैनासोनिक कॉर्पोरेशन की ऑफिशियली एप्लीकेशन है जो कि हमारे गूगल एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये पैनासोनिक टेलीविज़न की जो ये रिमोट एप्लीकेशन है, ये स्मार्टफोन को स्मार्टफोन या टैबलेट को जो है कनेक्टिविटी देने के लिए जो है यूज़ किया जाती है। जनरल इंटरटेनमेंट, ये जो है जनरल इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है। सबसे अच्छी बात इसकी स्टार रेटिंग 5 out of 3.8 स्टार रेटिंग है, 35 MB का मोबाइल साइज है, ये प्लस इसकी जनरल रेटिंग है और 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। सबसे अच्छी बात ये इस एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट की इसमें जो है यहाँ पे कंटेंट मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में इंटरटेनमेंट को करने के, ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि टीवी कंट्रोल है। टीवी कंट्रोल में भी कई ऑप्शन आते हैं, पैड कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, कीबोर्ड, गेम पैड, स्वैप एंड शेयर पैड, ब्राउजर, रिमोट प्ले, ऐप लॉन्चर, स्मार्ट कैलिब्रेशन। अगर हम बात करते हैं पैड कंट्रोल के बारे में, तो यहाँ पे आप जो है लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक ये यूज़ करने के लिए आप इसमें पैटर्न को यूज़ करते हैं। जनरली ये कंट्रोल सिस्टम जो है गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, जो रेसिंग गेम्स होती है स्पेशली। रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं, तो रिमोट कंट्रोल जनरली आप यूज़ कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल के तौर पे, मतलब कि अपने मोबाइल से जो है टीवी चैनल्स को बदलने के लिए और वॉल्यूम को घटाने बढ़ाने के लिए, और जो आपके फीचर्स होते हैं, मेन्यू होता है, आपके आपके ड्राइव को कनेक्ट करने का, कनेक्ट किए हुए वीडियोज़ को प्ले करने के लिए, मूवीज़ को प्ले करने के लिए, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, इन सबको बढ़ाने घटाने के लिए भी रिमोट कंट्रोल की ऐप का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड उस स्थिति में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका जो टेलीविज़न है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ा हो, चाहे वो वाईफाई यानी वायरलेस वेटलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा हो, चाहे वो लैंड यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क आज 45 के द्वारा ही क्यों ना कनेक्ट हो, तो इस सिचुएशन में जो है कीबोर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट और एमेजॉन प्राइम वीडियो और C5 वो इन सबकी जो वीडियोज़ होते हैं जो आप ऑनलाइन अपने टेलीविज़न में बड़ी आसानी से देख सकते हैं, उन वीडियोज़ को प्ले करने के लिए जो है आप कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ साथ अपने टेलीविज़न में गूगल से कुछ सर्च करने के लिए भी, यानी कि टाइप करने के लिए भी आप कीबोर्ड का बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीबोर्ड का जो आप अपने जनरल लैपटॉप या पीसी में आप यूज़ करते हैं अपने डाटा को इनपुट देने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा भी। फिर हम बात करते हैं गेम पैड का मतलब होता है, अगर ये आप अपने स्मार्ट टेलीविज़न में गेम्स को ऑपरेट करें यानी गेम्स को खेल रहे हैं, तो ये गेम पैड का इस्तेमाल करते जो है अपने स्मार्ट टेलीविज़न की बहुत बड़ी खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं स्वाइप एंड शेयर का मतलब होता है कि जो आप फाइल है उसको स्वाइप करके जो है दूसरे डिवाइसेस में या अनदर डिवाइसेस में कनेक्टिविटी के द्वारा जो है शेयर करना। फिर हम बात करते हैं वेब ब्राउजर का मतलब होता है कि जहाँ पे आप सर्च करते हैं, मतलब जिस जहाँ से आप कंटेंट को सर्च करते हैं कनेक्टिविटी के द्वारा, इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा, उसे कहते हैं वेब ब्राउजर। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स और ISO लेयर्स भी, यानी कि 7 ISO लेयर्स भी वर्क करती है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये नेटवर्किंग का पार्ट है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड स्क्रीन के बारे में, सेकंड स्क्रीन में क्या होता है, रिमोट प्ले, रिमोट से आप जो है प्ले कर सकते हैं यानी किसी भी सॉन्ग को जो भी आपके टेलीविज़न में एग्जिस्टिंग है, यानी कि उसका जो इंटरनल स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज का मतलब होता है टेलीविज़न कोई अपनी खुद की इंटरनल स्टोरेज नहीं होती, मान लीजिए वो पेन ड्राइव से कनेक्टिविटी है, तो जो पेन ड्राइव में जो सॉन्ग्स, वीडियोज, मूवीज पड़ी है, जो आपका स्मार्ट टेलीविज़न जो है और प्ले कर सकता है, उसके द्वारा आप जो है प्ले कर सकते हैं रिमोट प्ले। फिर हम कहते हैं ऐप लॉन्चर, ऐप लॉन्चर का मतलब होता है कि आपने अपने स्मार्ट टेलीविज़न में आप जो है जो ऐप चलाना चाहते हैं, मतलब ऐप बहुत सारी ऐप होती हैं, चाहे वो YouTube की हो, चाहे वो हॉटस्टार की हो, चाहे वो अनदर ऐप्स क्यों ना हो, ऐप को लॉन्च करके अपने टेलीविज़न में ऑपरेट करने के लिए यूज़ करता है। स्मार्ट कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि आप जो है अपने जो टेलीविज़न से अपने मोबाइल के सेटअप को
कनेक्टिविटी करते हैं, उसको जो कॉलिब्रेट करते हैं वो स्मार्ट होता है। यहाँ पे आप RGBY, यहाँ पे जो है चार मेथड से रखे हैं, एप्स, होम, ऑप्शन, रिटर्न। और यहाँ पे आप सबसे अच्छी बात ये है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का मतलब होता है कि आप जो अपने मुंह से बोलते हैं और वो जो है टाइप हो जाता है और उस पर वो ऐसा कमांड के तौर पे सेट हो करके वो उस पर वर्क करता है, यानी कि उस पर प्रोसेस करता है, उसे कहते हैं वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम या इनपुट सिस्टम, यानी कि वॉइस इनपुट सिस्टम भी इसे बोला जाता है। ये इस एप्लीकेशन को बहुत ही यूनिक और अनोखा बनाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल एप्लीकेशन है आप सभी के लिए जो लोग पैनासोनिक का, जो कि पैनासोनिक की एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं। ये एक बेस्ट, जिन लोगों के पास पैनासोनिक का प्रोडक्ट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही फ्रूटफुल एप्लीकेशन, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो जिनके पास पैनासोनिक का प्रोडक्ट है वो इस एप्लीकेशन को जरूर अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉलेशन करें और डाउनलोड करने के बाद इसको यूज़ करें बखूबी तौर से। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है चैनल्स को घटाने बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम को रीच और कम करने के लिए भी इसका एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको दिखाया कि पैड कंट्रोल के बारे में, ये ऑप्शन देख रहे हैं पैड कंट्रोल का, और इस एप्लीकेशन द्वारा जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऐसे स्मार्ट बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस एप्लीकेशन के द्वारा आप जो है अपने फ़ोन को, एक स्मार्टफोन को जो है रिमोट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और जो फीचर्स पैनासोनिक कंपनी ने जो है आपको खुद दे रखे हैं उस फीचर्स का आप बहुत ही अच्छे रूप से लुत्फ उठा सकते हैं। ये एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पैनासोनिक टीवी जो है शेयर करता है अपने जो कंटेंट है वो स्मार्टफोन और टैबलेट, मतलब यहाँ पे जो एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं इसका फाइल साइज 8.9 MB का है, जनरल रेटिंग इसकी 3+ है और इसकी स्टार रेटिंग 3.5, इसकी स्टार रेटिंग 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। ये पैनासोनिक जो मैंने आपको इससे पहले वाली एप्लीकेशन के बारे में बताया है वो पैनासोनिक टीवी रिमोट 1 है और ये पैनासोनिक टीवी रिमोट है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ खास इन्होंने चेंजेस नहीं किया है, इसको भी आप जो है वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं, साथ साथ जो है आप यहाँ पे RGBY का ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखा है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑप्शन के साथ कर्सर का भी ऑप्शन दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आप कर्सर के तौर पे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, साथ साथ रिमोट, ब्राउज़र, मीडिया और अदर्स, मतलब हर प्रकार से आप जो है बस इसको वाईफाई के तौर पे जो है अपनी कनेक्टिविटी, यानी कि अपने स्मार्टफोन स्मार्ट टेलीविज़न से कनेक्टिविटी लेकर के आप जो है कर्सर के तौर पे, रिमोट के तौर पे, ब्राउज़र के तौर पे और कनेक्टिविटी कर सकते हैं, साथ साथ जो मीडिया यानी कि जो टीवी की इंटरनल स्टोरेज है उसको भी आप यहाँ पे जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट एप्लीकेशन मैं आपको रिकमेंड करूँगा यदि आप जो है आप यूज़ कर रहे हैं पैनासोनिक का टेलीविज़न।